क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन ऑफ टैन इनवर्स, ये ई टू द पावर माइनस एक्स है? यस मैम, ई टू द पावर माइनस। तो सिद्धार्थ तुमने ये क्वेश्चन किया बेटा, तो कैसे किया था? तो पहले तो मैंने साइन का कर लिया था और विद बेस, तो वो हो गया था माइनस कॉस टेन इनवर्स, कॉस आएगा साइन का, कॉस टेन इनवर्स। ओके ओके, हाँ कॉस का माइनस होता है, हाँ कॉस माइनस एक्स। आगे फिर टेन इनवर्स इनटू डिवाइड एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस। उसके बाद अब क्या कहते हैं टैन इनवर्स का, नहीं टैन इनवर्स नहीं, दोनों है ना, तो अब इनका वैसे हो जाएगा डिवाइड वाला जो इनटू, सॉरी इनटू वाला जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला होता है जिसमें पहले का पहला इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव एंड सेकंड क्या कहते हैं ये, क्या ये मल्टीप्लाई होता है? मैंने तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कई बार ये बात कि टैन इनवर्स ऑफ समथिंग, अगर मान लो मैं लिखती हूँ टैन इनवर्स ऑफ वन, तो क्या ये टैन इनवर्स और वन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं? नो मैम, ये दोनों तो वो है ना, ये तो होंगी जो भी है, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ वन, हाँ इट इज नॉट मल्टीप्लाइड। नो नो ओके, मैं वो नहीं कह रहा मैं। तो ऐसे यहाँ पर इट इज टैन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, जैसे तुम साइन एक्स लिखते हो तो साइन एक्स में साइन और एक्स मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे होते हैं, ये फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इट इज समथिंग लाइक एफ ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, अगर ये यहाँ पर फर्क समझो, अगर यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स होता और ई टू द पावर माइनस एक्स होता फिर ये मल्टीप्लाई होता, ऐसे होता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो फिर हम इसको वैसे कर लेते हैं। अगर हमारे पास tan inverse of x e to the power minus x होता तो भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन किसके, इन दोनों के अंदर, तो फिर ये tan inverse of this हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग एक्सप्रेशन है, तुम लोग इसका भी डेरिवेटिव करोगे जब होमवर्क करोगे और इसका भी करोगे, समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर आज की डेट डाल के क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू, तो इनका भी डेरिवेटिव करोगे ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए बात में। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स? और टैन वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस टू एक्स, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू आगे ध्यान रखो, तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ टैन इनवर्स, ये दोनों क्वेश्चन मुझे सबमिट करना, ठीक है, जो मैंने साइड पे लिखे हैं, तुम्हें डिफरेंस समझ आना चाहिए एक्सप्रेशन में। cos of tan inverse e to the power minus x into 1 upon, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, यस इकिता, e to the power minus x whole square, टू e की पावर माइनस एक्स, टू मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस एक्स, अगर मेरे पास थ्री टू द पावर एक्स पावर टू होता है तो ये किसके इक्वल होता है, थ्री रेज टू द पावर क्या बनता है, ये टू एक्स, टू एक्स, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है इसका मतलब। तो
इसी तरह से यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहते हैं, क्या बनेगा e की पावर माइनस टू, माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ठीक है समझ आया? यस मैम। अब डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स करो, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एफ एक्स का, इसका क्या फॉर्मूला दिया था? मैम ई एफ ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स आएगा। यस मैम। तो यहां पर इनटू हमें डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स करना पड़ेगा ना? यस मैम। फिर वो कैसे भूल गए? सो इट विल बी कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स इंटू अब डिवाइड ई एक्स और माइनस एक्स क्या होता है? माइनस वन, माइनस वन। तो ये ई टू दी पावर माइनस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव माइनस वन है तो वो माइनस साइन में या बाहर, ठीक है? समझ आ गया मैम? रिपीट करना एक बार, ये इसका डेरिवेटिव माइनस वन आ रहा है ना? यस मैम। तो ये माइनस वन मैंने यहाँ लिख दिया, या तो यहाँ पे करूँ इनटू माइनस वन फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाऊं, या सीधा यहाँ लिख दिया, द होल एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन ना, ठीक है समझ आ गया? यस मैम। तो दिस इज योर आंसर। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे बेटे? क्वेश्चन नंबर सिक्स है e टू द पावर d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, एक और मैं लिख देती हूँ e टू द पावर x क्यूब, तो उनका मतलब होता है इसी टाइप का एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा, प्लस e टू द पावर x रेस टू दी पावर, क्या लिखा हुआ बेटा इसमें? 5 तक ही है। okay. तो हम सारे भी लिख सकते हैं चाहे तो e टू दी पावर x 4, मैंने कहा n है, n भी हो सकता है ना, फिर तो नहीं लिखेंगे, फिर सो ऑन कर देंगे, तो हम लिख ही लेते हैं 5 ही है, प्लस e रेस टू दी पावर x रेस टू दी पावर, तो अब दिस इक्वल टू e टू दी पावर x का तो मैंने लिख दिया e टू दी पावर x। अब सिद्धार्थ बताओ e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव? e टू द पावर x स्क्वायर, ओके, सो पहले वाले का e टू द पावर x हो जाएगा प्लस e टू द पावर क्या कहते हैं, पहले तो नॉर्मल उतर जाता है e x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर, फिर उसका x स्क्वायर आ जाएगा, उसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हां, तो डेरिवेटिव x स्क्वायर, तो वो 2x हो जाएगा फिर, 2x, ठीक है समझ आया? इशिता तुम बताओ e टू द पावर x क्यूब पहले एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला e टू द पावर x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर टू द पावर x 4 e टू द पावर x 4 e टू द पावर x 4 4x क्यूब e टू द पावर x 5 5x 4 रेज टू 4 5x, ठीक है बताओ क्या इसकी कोई सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है? यस मैम, e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन, श्योर, चलो हाँ बताओ क्या आएगा अगर कॉमन लिया तो, वन प्लस टू एक्स क्या आएगा? Yes, मैम, प्लस नो मैम, वो तो 2x हो जाएगा,
जब ब्रैकेट ओपन करोगे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x होगा तो पावर क्या होती है? जैसी की था, जब वापिस अगर ब्रैकेट ओपन करूंगी, जब भी हम कॉमन लेते हैं बेटे, जैसे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन होता है x क्यूब प्लस x फाइव मान लो है प्लस x नाइन, अब तुम इसमें से x क्यूब कॉमन लेते हो तो तुम्हारे पास अंदर क्या आता है? x square कैसे कॉमन आया? तुमने ये फाइव में से थ्री सब्ट्रैक्ट किया तभी x square आया। yes, ma'am. अब यहाँ से क्यूब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x raised to the power six. तो फिर तुमने थ्री सब्ट्रैक्ट किया, तो जब कॉमन लेते हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है? तो यहां पर जब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स अगर कॉमन लोगे तो वो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा, एक्स तो नहीं बनेगा, ठीक है मैम? हेलो हेलो यस मैम, जो ई एक्स है वो उसको हमने एक्स लेट कर लिया, तो अगर ई एक्स एक्स है और उसमें से x स्क्वायर को ले रहे हैं, x स्क्वायर है ex की पावर x, तो फिर जब x बाहर लेंगे तो x ही तो बचेगा अंदर। x स्क्वायर में से x बाहर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x आएगा ना, पावर पावर है ना, वो कोई x और x स्क्वायर थोड़ी है। ये देखो ना, ये मैंने जो लेफ्ट साइड पे लिखा इसको समझो, तुमने यहाँ पर x क्यूब कॉमन लिया, तो जब x क्यूब कॉमन लिया यहाँ पर तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया ना, तभी ये पावर 2 तुमने बताई मुझे। यस मैम। इसी तरह से 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तभी पावर 6 आई यहाँ पर। यस मैम। तो ऐसे ही यहाँ पर x स्क्वायर पावर है, तो एक एक माइनस कर देंगे सारी पावर्स में से, तो x स्क्वायर माइनस x होगा ना। हम्म, तो x स्क्वायर माइनस x कैसे, वो तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। x square minus x, okay. No, ma'am, अच्छा ये x square में से x common ले रहे, x common दिया है मैम, तो एक माइनस हो जाएगा उसकी पावर में से। हेलो, कैसे माइनस हो जाएगा मैम? कॉमन ये तो बचेगा, जैसे यहाँ पर थ्री कॉमन लिया तो थ्री माइनस हो रहा है ना पावर से। हाँ, सो जैसे वहां पे x फाइव था तो वहां पे हमने x क्यूब कॉमन ले लिया, तो 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2 पावर बचा। हाँ, तो अब यहाँ पे पावर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x होगा ना। तो मैम, जो x है उसकी पावर तो 1 है ना, तो जब 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा मैम। कॉमन तो ये ले रहे हैं, ये e टू द पावर x का होल स्क्वायर और e टू द पावर x स्क्वायर क्या सेम चीज है? नो। e टू द पावर x का होल स्क्वायर क्या होता है? ओ, e का भी स्क्वायर, ओके। अभी ये मैंने ऊपर बताया तुम्हें t टू द पावर x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ऐसे ही e टू द पावर x का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, क्या है? e की पावर 2x, 2x, और ये क्या है? e टू द पावर x स्क्वायर, तो दोनों अलग चीज हो गई ना। यू कांट राइट इट एज e टू द पावर x होल स्क्वायर। अगर ये e टू द पावर x होल स्क्वायर होता तो e टू द पावर x कॉमन आ जाता और फिर e टू द पावर x बच जाता। समझ में आई दोनों बात में फर्क? समझ आया? यस मैम। अभी इसी तरह से यहाँ पर अगर e टू द पावर x का होल क्यूब होता तो हम e टू द पावर x कॉमन ले सकते। ये होल क्यूब होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ पावर की पावर है। जैसे मैथ्स में मान लो तुम्हारे पास 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4 और मैं कहूँ 2 क्यूब टू द पावर 4, तो दोनों चीजें फर्क है। इसका मतलब 2 टू द पावर क्या हुआ? फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2 टू द पावर 2x e टू द पावर 2, नहीं मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये राइट साइड एक्सट्रीम, ओके, ये कोने में 12 हो जाएगा। हाँ, 12 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 12 कौन सा हो जाएगा, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला, दूसरे वाला 12 हो जाएगा। दूसरे वाला जो पहले वाला पावर 3 वाला, पहले वाला क्या होगा? तो मैम, जो पहले वाला है वो होगा ना ऐसे, क्यों? पावर तो मल्टीप्लाई होती है।
उसमें थ्री की पावर आएगी ना फिर थ्री को, इसमें थ्री की पावर है, थ्री की पावर क्या होती है, थ्री रेज टू दी पावर फोर तो ऐड हो जाती है, थ्री रेज टू दी पावर फोर, थ्री रेज टू दी पावर फोर मैथ में कितना होता है, टू फोर थ्री, टू फोर थ्री, 243, हेलो ठीक से कैलकुलेट करो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, वन टू, ओ एक ज्यादा कर दिया 81 समझ आया, ये चीज है और ये है, तो ये फर्क मैथ्स में समझना जरूरी है, इसके ऊपर मैं तुम्हें बाद में डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन कराऊंगी मजेदार सा, ठीक है समझ आई बात, तो यू कैनॉट टेक ए टू द पावर एक्स कॉमन, मेरा ये सब कर, पूछने का करने का मतलब सिर्फ इतना था तो कि इसमें इस इक्वेशन में तो मतलब होगा ही नहीं फिर कॉमन ही नहीं होगा, डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव करने के बाद बच्चे बहुत बार सिंप्लीफिकेशन करने बैठ जाते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो अनलेस एंड अंटिल यू आर श्योर अबाउट द सिंप्लीफिकेशन डोंट डू इट, डोंट डू इट, ठीक है, लेकिन अगर जब पढ़ रहे हो तब तुम्हें जरूर सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी आए इन बातों की जो तुमने लोअर क्लास में मैथ्स पढ़ा, तुम्हारा वो एलजेब्रा दोबारा से स्ट्रांग हो जाए, तो इन चीजों की क्लैरिटी के लिए जब पढ़ाई कर रहे हो अपनी बैठ करके उस वक्त जरूर सिंप्लीफिकेशन करो क्योंकि आंसर देख के तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर ठीक जा रहा है गलत जा रहा है, लेकिन जब पेपर में कर रहे हो तब सिंप्लीफिकेशन तभी करो इफ यू आर श्योर व्हाट यू आर राइटिंग इज करेक्ट, अब ऐसा कुछ पेपर अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो वो ये आंसर भी दे देगा और दूसरा आंसर भी दे देगा जो कि सिंप्लीफिकेशन के तुम्हारे हिसाब से जो सिंप्लीफिकेशन बन रही थी कॉमन लेके उसके हिसाब से भी आंसर दे देगा, तो तुम्हें उस चीज के लिए अलर्ट है, ठीक है, सो दिस इज द आंसर, वी कांट हेल्प यू, समझ आ गई, जैसे हम सिस्टमेटिक तरह से लिखते हैं ये सब और कुछ ठीक है, और अगर n तक जाती पावर तो फिर इसको सो ऑन करके हम लिखते, फिर हम ईच टर्म का नहीं निकालते, दो तीन टर्म्स का निकाल के और बाकी सो ऑन करके लास्ट टर्म करते, अच्छा और कोई क्वेश्चन है डाउट मन में तुम्हारे, नो मैम, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ, सेवंथ क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ e to the power root x, yes, इसका derivative कैसे करेंगे? Okay, इसका derivative क्योंकि ये root है ना मैम, so ये half इसकी power half हो जाएगी, शायद नहीं, हाँ half हो जाएगी इसकी power, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे आपने ऊपर करा ना कि उसकी whole की power, so वो ऐसा हो जाएगा कि whole की power half, तो derivative कैसे करोगे? So वो हो जाएगा इट विल बी 1/2 एंड 1/2 हां 1/2 √x 1/2 सो 1/2 आगे आ जाएगा की पावर देन √e टू द पावर √x, हां आगे e टू द पावर √x पावर -1/2 -1/2 आ जाएगी ना, हाफ माइनस वन करोगे जो पिछली बार फॉर्मूला बताया था, मैम मैम इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ले रखा है उसमें हम अंदर वाले एक्सप्रेशन को एक्स सिलेक्ट कर ले और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√2 मतलब 2√x होता है, तो वैसे कर सकते हैं हम इसको, यही मैं सुनना चाह रही थी, इट्स वेरी गुड आंसर इशिता, जितना मुझे समझ आया तुम यही कह रहे हो, यही मैं तुम्हें फर्क बताने जा रही थी कि इस क्वेश्चन में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर हाफ रूट एक्स, यही कह रहे हो ना,
Ishita, are you saying this? No, ma'am. मैम मैं कह रही हूँ कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है रूट रूट हाँ तो इसको हम जो अंदर दे रखा है e की पावर रूट एक्स उसको हमने एक्स लेट कर लिया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय टू रूट एक्स तो हम इसको वैसे x तो नहीं ले सकते बेटा हम उसको कुछ रूट वाई ले सकते हैं ना हाँ तो y ले लिया तो रूट y का भी डेरिवेटिव तो वन बाय टू रूट y होगा हाँ ठीक कह रहे हो और तुम्हारे हिसाब से पहले मैं लिखूंगी क्योंकि जो तुम्हारे मन में आ रहा होता है ना बेटा मैं चाहती हूँ तुम वो तब बोल दो यहाँ क्योंकि तभी हम सीख सकते हैं d by dx of root y हमने y क्या ले लिया e raised to the power root x यही किया ना ठीक है यस मैम ठीक कह रहे हो तो ये yes. हमारे पास आ गया वन बाय टू हाँ वन बाय टू अगेन रूट रूट ई की पावर रूट एक्स रूट कहाँ पे ऊपर या नीचे नीचे टू मल्टीप्लाई बाय चलो अभी मैं एक्स्ट्रा स्टेप दे देती हूँ हाफ वाई की पावर माइनस हाफ ठीक है यही कह रहे हो तो अब ये जो है अंदर ये वाई है और ये एक्स है जो तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो तुम कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जिसमें ये एक्स और ये एक्स सेम होते थे yes, अब यहां पर ये अंदर जो है ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स है इट इज नॉट एक्स इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज देखो फंक्शन ऑफ एक्स है तो जब फंक्शन ऑफ एक्स की पावर होती है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें इनटू क्या करना पड़ता है फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना पड़ेगा yes. तो अब वाई को फिर दोबारा पुट करना पड़ेगा यहाँ पर यस मैम और फिर इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा यस मैम ठीक है तो ये वाई लेने वाला स्टेप जो है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है हम इसके बिना भी डायरेक्ट डेरिवेटिव जैसे मैंने सिखाया था लास्ट टाइम कि फंक्शन की पावर हाफ माइंड में लेके चलो और डायरेक्ट कर वरना सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो पर ये याद रखना है कि इन टू डी बाई डी एक्स आएगा ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाए ठीक है okay, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है जो पहले तुम लोग सजेस्ट कर रहे थे हाफ इंटू दिस की पावर हाफ माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट तो अब नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख दोगे तो ये आ गया वन अपॉन टू e की पावर रूट एक्स पावर माइनस हाफ तो ये हो गया e की पावर रूट एक्स पावर माइनस हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स क्या होगा पाई बाय रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स क्या होगा रूट एक्स होगा ना खाली रूट एक्स रूट एक्स e टू द पावर f का डेरिवेटिव अप्लाई करो e ओके e root x e to the power root x हाँ अब इसका हो जाएगा ना root x e की power root x आगे भी कुछ आएगा नहीं derivative of root x हाँ e की power f x है ना सिद्धार्थ last time वाला याद नहीं किया तुमने f x okay okay e की power f x है ये it is not x it's not only x अगर d by dx हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वही वेरिएबल यहाँ पे है तो आंसर e टू द पावर x आएगा लेकिन अगर ये x की जगह 2x भी हो जाता है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा ओके ओके तो इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा ठीक है ये फॉर्मूला भी मैंने अभी ऊपर लिखा भी है ये इस फॉर्मूला को माइंड में सेटल करो e की पावर f x एनीथिंग अदर देन x तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ f x आएगा तो इसी तरह से यहाँ पर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख के कर सकते हो ठीक है तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2 अगर ये माइनस आपको नीचे ले आए तो ये रूट ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा इंटू ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो है 1/2 रूट एक्स वैसे इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है ये पावर माइनस हाफ है और इस पूरे की पावर वन है
इस पूरे की e की रूट एक्स की पावर माइनस हाफ है या e रूट एक्स की पावर वन है, तो हम इसको ऊपर भी कंबाइन कर सकते हैं, तो क्या बन रहा है, कितनी पावर बन रही है बोलो, ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो सकती है ना, ये और ये सेम ही तो एक्सप्रेशन है, माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू और प्लस वन कितना होगा, वन बाय टू, वन माइनस हाफ इज हाफ, एड होती है ना पावर सेम बेस हो तो, ठीक है, जैसे थ्री की पावर माइनस वन बाय टू और थ्री की पावर वन, तो दोनों पावर से एड होके थ्री की पावर हाफ बनता है ना, यस मैम, इसी तरह, ठीक है, बट इसका शॉर्टेस्ट तरीका जो है, इंटेलिजेंट मेथड जो है वो करने का ये, अगर पहले ही ध्यान दे दो, ये जो मैं अभी तुम्हें सिखा रही थी टू टू दी पावर ट्वेल्व बनता है, तो जब ये पावर की पावर ऐसे आ जाती है ब्रैकेट लगा के बाहर, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अब e टू दी पावर हाफ रूट एक्स का आंसर क्या होगा, टू दी पावर हाफ रूट एक्स इंटू वन अपॉइंट टू, पावर हाफ रूट एक्स इंटू वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट टू रूट एक्स, ठीक है, तो e की पावर हाफ रूट एक्स का हम डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव करें तो e की पावर हाफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ हाफ रूट एक्स, जब डेरिवेटिव ऑफ हाफ रूट एक्स करोगे तो ये आंसर आता है, अगर एक स्टेप पे नहीं लिख सकते तो दो स्टेप पे लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई तुम लोगों ने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ रूट एक्स करके और फिर उसके बाद e की पावर हाफ रूट एक्स और फिर हाफ बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से प्रोडक्ट में इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो है वन अपॉइंट टू रूट एक्स बन जाता है तुम्हें पता, ठीक है, समझ आया, बहुत सारे क्वेश्चंस डेरिवेटिव के करोगे तब होल्ड बनेगा, तुम लोग एनसीईआरटी कर लो तो मैं तुम्हें थोड़े और क्वेश्चंस दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, डेरिवेटिव की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आगे का मैथ्स तुम्हारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव में गलती हो गई तो आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो सब कुछ गलत हो, आगे के चैप्टर्स में डेरिवेटिव के बाद का काम है, तो डेरिवेटिव तो ठीक होना ही चाहिए, ठीक है, ये समझ आ गया, सेवंथ क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं कोई डाउट नहीं है, नो मैम।